दशहरे का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन देवभूमि हिमाचल का एक शहर ऐसा भी है जहां दशहरा नहीं मनाया जाता, जहां रावण को आज तक जलाया नहीं गया। वहीं यहां के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। आपको बता दें कि यह हिमाचल का बैजनाथ शहर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित बैजनाथ धाम व स्थान है जहां दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाता। पूरा देश जहां रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं, वहीं बैजनाथ क्षेत्र में रावण के पुतले न जलाकर उसे सम्मान दिया जाता है। यहां रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर शिवलिंग स्थापित किया था, अतः यह स्थान रावण की तपस्थली माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार जब रावण भगवान शिव की आराधना करके शिवलिंग को लंका ले जाते हुए लघुशंका हेतु स्थान पर रुका, तब शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया तथा रावण ने यहीं पर अपनी तपस्या कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसीलिए बैजनाथ को रावण की तपस्थली भी कहा जाता है। दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये रावण की तपोस्थल भूमि है। यहाँ पर रावण ने कई हजार वर्ष तप किया है। यहीं पर भगवान शंकर ने रावण को अमर होने का वरदान दिया था। पहले इसमें कुछ समय पहले यहाँ दशहरा मनाया जाता था, लेकिन जब भी कोई इसमें हिस्सा लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि रावण की तपोस्थल भूमि है। तो भगवान के दरबार के सामने रावण का पुतला जलाना, ये कहाँ का ये सब। बैजनाथ व पपरोला कस्बे के लोगों ने दशहरा मनाने की कोशिश की तो पुतलों को आग लगाने वाले व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी। यहां पर रावण को सम्मान देते हुए दशहरा पर्व न मनाने का प्रचलन चल पड़ा। दूसरी बात बैजनाथ में यह है कि यहां कोई भी सुनार की दुकान नहीं है। इसका कारण यह भी है कि भगवान शिव ने वरदान स्वरूप सोने की लंका रावण को दी थी, यही वजह है कि यहाँ सुनार की दुकान नहीं है। और मेरा घर स्टेड में है, बैजनाथ के साथ ही लगता गाँव में। तो मेरे को यहाँ पे 30 साल हो गए रहते हुए, मेरी एज 35 साल, और मैं 30 साल से बुजुर्गों से सुनता आया हूँ कि यहाँ पे आज तक दशहरा नहीं मनाया गया। आज से पहले जिन भी 3 लोगों ने दशहरा मनाया गया वो अगले दशहरे से पहले एक्सपायर हो गए। तो कारण इसका ये है कि जो रावण था वो शिव भक्त था और यहाँ पे उसने तपस्या की थी। तो आज तक 30 सालों से जब से मतलब मैं पैदा हूँ आज तक मैंने बैजनाथ में दशहरा मनता वो नहीं देखा आज तक। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग बोलते हैं कि एक यहाँ पे बैजनाथ में कोई सुनार की दुकान भी नहीं है पूरे बैजनाथ शहर में, तो इसका कारण जहाँ तक मैं या बुजुर्गों से सुना है मैंने कि रावण की लंका सोने की थी और वो मतलब रावण युद्ध में चलाई गई थी, जिसके कारण सुनार की दुकान भी कोई यहाँ पे आज तक बस्ती नज़र नहीं आई। कई सालों से मैं देखती आई हूँ कि यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता है, और कई पूछते हैं कि क्यों नहीं मनाया जाता, तो इसका कारण ये है, इस कारण ये दशहरा नहीं मनाते हैं। और यहाँ जो ये बैजनाथ का मंदिर है, यहाँ जो ये बैजनाथ वाली जो पिंडी है स्थापित की है, ये रावण ने स्थापित की है, और यहाँ उसने यज्ञ किए थे और 7 सिर अपने चढ़ाए थे, है ना, 7 सिर चढ़ाए थे, तो यहाँ नहीं मनाया जाता है दशहरा, और डेथ हो जाती किसी न किसी की, तो इसलिए नहीं मनाया जाता। और आपने देखा होगा कि बैजनाथ में कोई भी सुनारों की दुकान ही नहीं है। ये भी सुनने में अगर वहाँ पे कोई दुकान करे तो उससे कुछ हो जाता है, वो मर जाता है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।